हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:10 हुए हैं और मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट बनाया था। आज तो वही ब्रेकफास्ट बन रहा है मेरे घर पे आजकल, कौन सा उकड़ पेंडी, क्योंकि इनको टिफिन में देनी पड़ रही है, इसी वजह से वही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ आजकल। इन्हें टिफिन देना पड़ रहा है तो कभी कभी ये रोटी सब्जी लेके जा रहे हैं। एक मिनट में माही को और उसको शांत कराती हूँ, अद्विक को, उसे पता नहीं था मैं बात कर रही हुई है। तो यहाँ पर है उकड़ पेंडी बनाई हुई, और हाँ कभी कभी रोटी सब्जी लेके जाते हैं टिफिन में, कभी कभी, कभी कभी नहीं, एक दिन छोड़ के ऐसे लेके जाते हैं, एक दिन उकड़ पेंडी लेके जाते हैं, क्योंकि आटे की बनती है ना, तो वजह से थोड़ा सा ना पेट फुल रहता है, इसी वजह से ये लेके जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर उनको कभी कभी वो लगा तो सब्जी वगैरह रोटी वगैरह लेके जानी है, तो फिर वो एक दिन सब्जी रोटी लेके जाते हैं, एक दिन ये लेके जाते हैं, तो ऐसे करके लेके जाते हैं टिफिन में, क्योंकि ये आते हैं 3:15 तो इन्हें बज ही जाते हैं आने के लिए, क्योंकि 2:30 इनकी ड्यूटी ख़त्म होती है, वहाँ से आने के लिए इनको थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो अभी मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, चलिए फिर पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ। ये मैं खाने वाली नहीं थी एक्चुअली, दूसरा कुछ बनाने वाली थी, बट बनाने का मन नहीं कर रहा है तो इस वजह से यही खाना पड़ रहा है, तो यही खा लेती हूँ। और ले ली है मैंने उकड़ पेंडी, अभी जल्दी से खाती हूँ, और उसके बाद एक्चुअली वर्कआउट भी करना था तो स्किप कर देती हूँ वर्कआउट ना, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि चक्कर से आ रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो इसी वजह से मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया कल, थोड़ी देर रेस्ट की और आज थोड़ा सा एनर्जी से उठी हूँ और अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। चिकन का ना वो कड़वे नीम का रस बनाना बंद ही नहीं हुआ है, और यहाँ पर माही माही ने पानी ऐड किया आपने, देखो माही ने इसमें कप से लेके बैठी है, ये हम लोगों ने पी भी लिया और ये कप से लेके बैठी है, ऐसी ही फ्रेश नहीं हुई हूँ, वर्कआउट किया है और पहले ये किया है, अभी क्या बोलते हैं कड़वे नीम का रस पिया है, वो आते ही पहले हाथ में वही दे देता है, वही पीना पड़ता है पहले। तो आज ना एक्चुअली ये पहले ही बनाई थी भिंडी की सब्जी, यहाँ पर भिंडी की सब्जी है, तो भिंडी की सब्जी बनाई थी, उसके साथ थोड़ी सी रोटी बनानी पड़ेगी, तो रोटी ये बना लूँगी। और ना आज मैं सोच रही हूँ कि मसाले की खिचड़ी जो होती है, मतलब पुलाव टाइप का, तो वो बनाऊँगी, बिरयानी मसाला, बिरयानी के लिए इतना कुछ सामान भी नहीं है, बट जो भी है उसके साथ बिरयानी बना लूँगी मैं अभी। तो चलिए मैं थोड़ी देर में फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। मैं फ्रेश हो रही थी तब तक यहाँ पर चिकन ने प्याज और ये काट के रख दिया है, आलू और प्याज काट के रख दिया है, तो इसका ही अब, लेकिन यार इसने आलू के छिलके ही नहीं निकाले, लड़के ऐसे ही होते हैं, आलू के छिलके ही नहीं निकाले इसने, आलू काट के रख दिया, प्याज काट के रख दिया, और यहाँ पर मूँगफली निकाल के रख दी, और प्याज के छिलके, ये प्याज के छिलके बोल रहे हो, आलू के छिलके ही नहीं निकाले, अजीब है। तो चलो हाँ, लड़के ऐसे होते हैं, उनको कुछ पता होता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि ये दीदी की हेल्प कर दे, इसी वजह से थोड़ी सी हेल्प तो कर देता है बेचारा मेरी। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं सिर्फ रेडी हुई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ऑयली लग रहा था फेस, और मुझे ही खुद को अच्छा नहीं लग रहा था इसी वजह से। हाँ है, हाँ हाँ, आलू के छिलके ही नहीं निकाले, अच्छा छिलके नहीं निकालना पड़ता बोल रहे, हाँ ठीक है। अरे ये है श्रीकांत मेरा भाई, सब लोग बोलते हैं कि ये श्रीकांत कौन है, श्रीकांत कौन है, मतलब जब भी ब्लॉग में लेती हूँ मैं इसे, तब
तब सभी लोग यही कमेंट करते कि श्रीकांत कौन है, श्रीकांत कौन है। फाइनली मैं आज बता देती हूँ आपको कि ये मेरा भाई है। और मैंने बहुत सारे ब्लॉग में बताया आप लोगों को कि श्रीकांत मेरा भाई है, फिर भी एक ही कमेंट आती है हमेशा कि श्रीकांत कौन है, श्रीकांत कौन है। तो अरे माझे सब्सक्राइबर दुसऱ्या सब्सक्राइबरला सांगतात की श्रीकांत भाऊ आहे म्हणून। एकच कमेंट असते नेहमी, एक ही कमेंट आती है हमेशा। और हाँ, मराठी में बात कर रही हूँ इस वजह से। ये मत सोचना कि मराठी में बात कर रही हूँ, फ्लैश मार रही हूँ या कुछ, क्योंकि ये भी बहुत कमेंट आती है कि आप मराठी में बात करते हो, हिंदी व्लॉग बनाते हो मराठी में, क्योंकि बच्चों के साथ मराठी में ही बात करनी। वॉशरूम मध्ये चलना, क्योंकि इसको मराठी समझ में आती है, इतनी ज्यादा हिंदी समझ में नहीं आती है अद्विक को, तो इसी वजह से अद्विक के साथ मराठी में बात करनी पड़ती है। और आप लोग बोलते हो कि फ्लैश मारती हूँ मराठी में बात करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई अपने लैंग्वेज में बात करने से फ्लैश नहीं मारता है। और मुझे कोई शौक थोड़ी ना है कि आप अपनी लैंग्वेज में बात करके आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, तो फ्लैश मारना नहीं होता है डियर। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ तो वही लैंग्वेज में बात करूंगी, क्योंकि माही को हिंदी पूरी आती है, कि माही तो हिंदी में ही बात करती है। बट अद्विक हिंदी इतना ज्यादा समझता नहीं है अद्विक को अभी। हाँ बेटा, तो अभी अद्विक समझने लगा है हिंदी थोड़ी थोड़ी, तो जब समझ जाएगा पूरी हिंदी। देखो अभी इसकी हिंदी देखो। हाँ मैं गेम खेलने जा रहा हूँ। आप गेम खेलने जा रहे हो या गेम खेलना है आपको? मुझे गेम खेलना है। अच्छा देखो अभी हिंदी सीख रहा है अभी थोड़ी थोड़ी। मम्मा मुझे मोबाइल से गेम खेलना है। मोबाइल से नहीं, मोबाइल में गेम खेलना है। हाँ ठीक है ठीक है। दीदी को बोलो ना, दीदी को बोलो ना, दीदी बेटा मोबाइल दे दो। हाँ हाँ एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी। तो मसाला राइस बनाने के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तेल ऐड कर सकते हो, कोई भी तेल ऐड कर सकते हो, जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह आप ऐड कर सकते हो जो आप तेल खाते हो। और उसमें मैंने मूंगफली ऐड की है पहले, और उसके बाद मैंने जीरा राई ऐड किया है। एकदम सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ, खिचड़ी नहीं बोल सकते इसे, सिंपल सा राइस बना रही हूँ, वो भी मसाला राइस। और उसमें मैंने प्याज डाल दिया है, आलू थे सिर्फ उसमें आलू ही डालूंगी, क्योंकि बाकी की कोई भी सब्जियां डालने के लिए नहीं थी, इसी वजह से मैंने फिर सिर्फ आलू ही डाले। नहीं तो आपके घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल है आप वो डाल सकते हो, बट अभी लॉकडाउन की वजह से तो सभी की हालत ऐसी ही होंगी, सभी के घर में सब्जियां तो मिल ही नहीं रही होंगी, जो भी मिल रही है वो उससे काम चलाना पड़ रहा है, ऐसे ही हालत हो गई है अब तो, जो भी मिल रहा है उससे काम चलाना पड़ रहा है। तो उसमें मैंने ऐड किया है ये एवरेस्ट का बिरयानी मसाला, उसके बाद उसमें ऐड किया है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं अच्छे से मिला लूँगी उसे। और बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है यार, मतलब कोई भी बना सकता है, बट अपना अपना तरीका होता है बनाने का। आप लोग अलग बनाते होंगे, मैं अलग बनाती हूँ। मसाला हो जाने के बाद मैंने उसमें टोमेटो ऐड कर दिया था, मैंने 2 टोमेटो काट के रख दिए थे वो ऐड कर दिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल भी धो के रख दिए थे तो वो उसमें ऐड कर दिए है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद हमें पानी ऐड करना है उसमें, और जितना पानी मतलब आपको लगेगा कि इतना पानी सफिशेंट है उतना पानी ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद फिर ढक्कन लगा दीजिए कुकर का। और हो गया, उसमें नमक ऐड करना मत भूलेगा, बस पानी ऐड कर दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी। सीटियाँ लगाने के बाद ही ये पक जाएगा, ये थोड़ा सा लेज़ी डिनर रेसिपी है। I know where we can go, and it's all you know.
क्या काट रहे हो आप लोग? बाहुबली सो मसाला राइस रेडी हो चुके हैं और सीटी मतलब अभी भी उसमें बाप है ही, और यहाँ पर रोटियाँ भी बन चुकी हैं, और यहाँ पर भिंडी की सब्जी तो मैंने आपको दिखाई थी, तो भिंडी की सब्जी भी रेडी है। थोड़ी देर में डिनर करने वाले हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है यार। आज मैंने सुबह लंच ही नहीं किया था क्योंकि क्या हुआ था, सुबह ब्रेकफास्ट किया था, आप लोगों को पता है, ब्रेकफास्ट किया, उकर भी नहीं खाई, उससे ना पेट फुल हो गया था, तो इसी वजह से मुझे ऐसे लगा नहीं कि मुझे लंच करना चाहिए, तो इसी वजह से मैंने लंच नहीं किया। और उसके बाद ये आए ड्यूटी से, इन्होंने लंच किया, मैंने ना इनसे फिर बोला कि मुझे तरबूज काट के चाहिए, तो इन्होंने मुझे तरबूज काट के दे दिया था, और फिर वाटरमेलन खाया थोड़ा सा, उसके बाद मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी क्योंकि वाटरमेलन खाने से आप लोगों को पता है पूरा पेट फुल हो जाता है पानी ज़्यादा रहने की वजह से, इसी वजह से मुझे बिल्कुल लगा नहीं कि मुझे खाना खाने की ज़रूरत है, तो मैंने खाना ही नहीं खाया दोपहर में। तो अभी ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं जल्दी से पहले डिनर कर लेती हूँ, ये कुकर ठंडा हो जाए उसके बाद हम लोग डिनर कर लेते हैं। गाइज अभी अभी डिनर हुआ है और बच्चे और उनके पापा खेल रहे हैं क्रिकेट। और हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि मसाला राइस में मैंने ना नमक ही नहीं डाला था यार, मैं भूल ही गई थी नमक डालना, मतलब जब खाने बैठे तब पता चला कि नमक ही नहीं है इसमें, इतना वैसे तो भी लग रहा था, मुझे याद था जब तक मैं वो डाल रही थी पानी डाल रही थी तब तक मुझे याद था कि मैंने नमक ऐड नहीं किया है, फिर बाद में मैं भूल गई एकदम से और वो लगा दिया, लीड लगा दिया उसे, उसके बाद भी याद नहीं आया मुझे, नहीं तो फिर मैं उसमें ऐड कर देती और थोड़ा सा निकाल के वो कर लेती, बट याद ही नहीं आया जब खाना खाने बैठे और जैसे ही एक निवाला लिया तब पता चला कि मैंने उसमें नमक ही नहीं डाला है, तो ऐसे हुआ है, आज थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई आज मेरे साथ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, बहुत लेट हो गया है, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी क्लर्टी टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।